पहले मुंबई को फैशन एवं मॉडलिंग का गढ़ माना जाता था, परंतु धीरे धीरे फैशन और मॉडलिंग की धमक अब छोटे छोटे शहरों में भी दिखाई देने लगा है, जिसका उदाहरण रोहतास जिला अंतर्गत सासारा में भी देखने को मिला, जहां फैशन को लेकर युवाओं में काफी क्रेज देखा गया। स्टाइल एंटरटेनमेंट द्वारा आयोजित मिस्टर एंड मिसेज बिहार 2019 के लिए ऑडिशन का आयोजन किया गया, जिसमें रोहतास जिला के अलावा आसपास के जिले के युवा लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लिया। वहीं इस ऑडिशन शो में जज के रूप में फेमिना मिस इंडिया 2018 अनुकृति वास मौजूद थी। ऑडिशन के दौरान युवाओं ने कैटवाक एवं रैप वॉक करके लोगों को भ्रम तोड़ दिया कि मुंबई ही नहीं अब बिहार में भी फैशन एवं मॉडलिंग का क्रेज बन चुका है। वहीं फेमिना मिस इंडिया 2019 अनुकृति वास ने छोटे शहरों में फैशन के प्रति युवाओं का क्रेज देखकर काफ़ी प्रभावित हुई। उन्होंने कहा कि आज मॉडलिंग के क्षेत्र में छोटे शहरों से ही युवा चयनित होकर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार के कुछ युवक एवं युवतियाँ इस क्षेत्र में काफ़ी धूम मचा रहे हैं। Main ambition from their reaching here. What is the main position? What the aim you are here? See, if we are talking about modeling or acting or anything, people from Mumbai do it, but they're starting something like this in Bihar, in Sasaram, which is a very, very good thing, because a lot of good models are here, but they don't have the platform. And because of this, they're getting a very nice platform, and I'm really glad to be a part of it. You are Miss Femina, Miss Femina 2018. What is the main difficult became Miss Femina? I don't know. I saw it as a game and I won it, so there was no big difficulty. It was just a lesson learned. Mumbai is called the city of fashion, but in Bihar, how do you feel? The participant, how can go there? It is nothing like that, because in the year 2017, the second runner-up is from Bihar. So if you are really determined and if you have the talent, you can do it.